मथुरा में अवैध रूप से संचालित जीवन ज्योति हॉस्पिटल के सीज करने के आदेश के बाद हॉस्पिटल संचालक कार्यवाही के डर से अस्पताल को बंद कर फरार हो गया। बीच शहर में अवैध तरीके से बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे हॉस्पिटल की लगातार शिकायतें स्वास्थ्य विभाग को मिल रही थी कि कृष्णा नगर में अवैध तरीके से जीवन ज्योति नामक हॉस्पिटल संचालित है। इसके बाद डॉक्टर एके वर्मा ने डॉक्टर भूदेव को हॉस्पिटल बंद कराने के निर्देश दिए। सीएमओ एके वर्मा ने बातचीत में बताया कि हो सकता है कि हॉस्पिटल संचालक को पता चल गया हो कि स्वास्थ्य विभाग उसके खिलाफ कार्यवाही करने वाला है, इसी को लेकर उसने अपना हॉस्पिटल बंद कर दिया हो। जब भी ये हॉस्पिटल खुलेगा तभी स्वास्थ्य विभाग उसे सीज करने की कार्यवाही करेगा। ज्योति के नाम से एक नर्सिंग होम की शिकायत मिली है मेरे को, और मेरे जो शहर के मथुरा तहसील के जो मेरे नोडल अधिकारी डॉक्टर भूदेव, वो शिकायत पर जाँच भी कर रहे हैं और दो बार जा भी चुके हैं। लेकिन वो क्लिनिक जो है ना, वो जब 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 वो निरीक्षण के लिए जा रहे हैं, वो नर्सिंग होम बंद ही मिल रहा है। संभवतः उनको जानकारी मिल गई है कि इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन निश्चित तौर पर जब भी वो खुली मिलेगी उसको सील करके उस पर प्राथमिकी दर्ज डॉक्टर भूदेव द्वारा कराई जाएगी। नोटिस भी जारी किया? हाँ, एक नोटिस उन्होंने चस्पा किया है और उसके एड्रेस पर भी भेजा है डॉक्टर भूदेव ने। लेकिन क्लिनिक को सील तभी कर सकते हैं जब खुला मिले। नर्सिंग होम है और डेफिनेटली वो सील करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोई जानकारी है सर आपके पास कब से चल संचालित है? उसका नहीं मैं बता सकता, लेकिन शिकायत मुझे मिली है कि चल रहा है और थोड़ा बेसमेंट में भी चल रहा है, तो फायर सेफ्टी के हिसाब से भी ये कंप्रोमाइज़ है। तो ऐसे नर्सिंग होम पंजीकरण नहीं है, तो ऐसे नर्सिंग होम तत्काल रूप से सील किए जाएंगे मेरे द्वारा, डॉक्टर भूदेव के द्वारा। ये मेरे उनको निर्देश दे दिए गए। कब तक कार्रवाई कर पाएगा? जैसे खुला मिलेगा तुरंत।